हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया विकास सिंह है। सो आज है टॉक सैटरडे। सो टॉक सैटरडे में मैंने सोचा कि मुझे एक्चुअली बातें करना बहुत पसंद है। सो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ कुछ अच्छी अच्छी बातें शेयर करी जाए, अच्छी अच्छी बातें की जाए, बिकॉज आई लव टॉक। सो फॉरगेट, मजाक करती रहती हूँ मैं, बट हाँ मुझे बोलना बहुत पसंद है। सो जैसे कि आपने टाइटल में देखा होगा, मैंने लिखा हैप्पीनेस। आजकल की लाइफ में हम जब बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ों के पीछे भागते भागते, या फिर अपने काम में इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि हम हैप्पी रहना कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। तो लाइफ में ज़रूरी नहीं है कि आप हैप्पी रहने के लिए बहुत ही एक्सपेंसिव चीज़ें लें, या फिर आपको अगर कोई आपका गोल होता है जब वो आपको मिल जाएगा तभी आप हैप्पी होगे, नहीं तो आप काम करते जाओगे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए लाइफ में। मुझे ऐसा लगता है छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस प्रोवाइड करती हैं। लाइक अगर आपकी फेवरेट सब्जी मिल जाती है आपको खाने में तो आप एकदम खुश हो जाते हो। किसी किसी को चॉकलेट बहुत पसंद होती है तो चॉकलेट खा के वो खुश हो जाता है। तो इट्स लाइक कि खुशी बड़ी चीज़ों में नहीं होती है, खुशी हमेशा आप हमेशा याद रखना छोटी 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 सी चीज़ों में होती है। जैसे कि जब मेरी आफ्टर मैरिज जो मेरी लाइफ थी, जब मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही थी और हमेशा रिजल्ट अच्छा नहीं आता था, मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो गई थी और मैं बिल्कुल खुश नहीं रहती थी। लाइक कि मैंने पढ़ाई लिखाई ठीक है, मतलब मैं पढ़ती थी सब था, बट कहीं ना कहीं वो आपको डिस्करेज करता है अगर आप ज़्यादा फेलियर का सामना करते हो। तो मैं तब हैप्पी रहना भूल गई थी। बट सडनली मतलब जब मैं जॉब नहीं हो पा रहा था, तो कई बार जब आपसे चीज़ें हो नहीं पाती हैं ना, तो आपको चीज़ें, मुझे पता है ये चीज़ नहीं बोलनी चाहिए बट छोड़ देनी चाहिए। कुछ चीज़ें आप लोग आपके लिए बनी ही नहीं है। आप देखो, एक बार ट्राई करोगे, दो बार ट्राई करोगे। मैंने ऑलमोस्ट 3 साल तैयारी करी है, जब नहीं हुआ तो उसके बाद मैंने उसको जाने दिया, उसके बाद मैंने कुछ और करने का सोचा। मतलब अगर आपसे एक चीज़ नहीं होती तो मैं ये नहीं कहती आप अपना दो, बिल्कुल 100% दो, और उसके बाद अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते तो भूल जाओ वो चीज़, क्योंकि वो चीज़ आपको खुशी भी नहीं दे सकती। क्योंकि मैंने बहुत ट्राई किया जितना, फिर मुझे एट द एंड फील हुआ कि शायद वो चीज़ मैं कर ही नहीं सकती। तो ऐसा नहीं है, बोलेंगे लोग कि कोई चीज़ पॉसिबल नहीं है, सब चीज़ पॉसिबल है लाइफ में। बट ये है ना कि हर एक व्यक्ति का अपना अपना वो होता है, करने की कैपेसिटी होती है, करने का मन होता है। शायद कहीं ना कहीं मेरा खुद ही इतना मन ज़्यादा नहीं होगा इसीलिए। सो तब मैं बहुत अनहैप्पी रहती थी, बट जैसे ही मेरी शादी हुई, लाइफ में इस चीज़ का मैं बहुत ज़्यादा श्रेय अपने हस्बैंड को दूंगी। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, हर छोटी सी छोटी उसमें पॉजिटिविटी ढूंढ लेते हैं। मतलब हमें कोई छोटी सी भी प्रॉब्लम होती है ना, मुझे तो उसमें पॉजिटिविटी कहाँ से ले आते मुझे खुद नहीं पता। तो उसके बाद मैं बहुत बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो गई हमेशा लाइफ में। जब मैं पॉजिटिव रहने लगी तो खुश रहने लगी, और फिर सोचा जब ये यूट्यूब स्टार्ट किया तो मैं और ज़्यादा खुश हो गई। फिर मुझे कहीं ना कहीं लगा कि ओ माई गॉड, मुझे ये करना पसंद है। मतलब मुझे मेकअप करना, फैशनेबल कपड़े पहनना, ये सब बहुत ज़्यादा पसंद है। तब मुझे ये चीज़ इस चीज़ का रियलाइज़ हुआ, क्योंकि पहले मुझे लगता था पढ़ाई करके जॉब करके ही आप सब कुछ मतलब पा सकते हो, बट ऐसा नहीं है। आपको जो मन करे, कई बार हमें टाइम लग जाता है चीज़ें फाइंड करने में कि आपको कौन सी चीज़ खुशी देती है। तो आप जितनी जल्दी ये फाइंड कर लोगे ना, आपकी लाइफ उतनी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। मुझे पता है मैं रैंडमली कुछ भी कहीं से कुछ बोल रही हूँ, क्योंकि मैं कोई प्रोफेशनल ऐसे टॉक नहीं करती, बस मुझे अच्छा लगता है बात करना। सो इट्स जस्ट, मैं आप सबसे चाहती हूँ कि आप सब लोग बहुत खुश रहें लाइफ में, हर छोटी सी छोटी चीज़ों में खुश रहना सीखें। ऐसा नहीं है, चीज़ें तो मुझे भी अच्छी लगती है, मतलब बहुत मुझे भी, जैसे कि मुझे भी चाहिए कि मैं यूट्यूब पर फेमस हो जाऊँ, मुझे भी चाहिए कि मैं एक्सपेंसिव फ़ोन खरीदूँ या ये वो, ऐसे अपने पैसों से। तो ऐसा नहीं है कि मेरी इच्छाएं ख़त्म हो गई, बट अब मैं ज़्यादा खुश रहने लगी हूँ, उस चीज़ को पाने के लिए मेहनत करती हूँ, बट अदर देन उस चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं रखती अपनी खुशी। मैं खुश हो जाती हूँ उन छोटी छोटी चीज़ों से जो मैं खुद करती हूँ, या मेरे हस्बैंड करते हैं, या मेरी फैमिली मेरे लिए करती है, या मैं खुद अपने लिए करती हूँ, उन सारी चीज़ों से मैं खुश हो जाती हूँ। सो जैसे आप खुश रहने लगते हैं, आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होने लगता है। मुझे पता है कि कई बार लोगों को ये सारी बातें ऐसे लगेंगी कि क्या है, ऐसे थोड़ी ना होता है, ये सब फिल्मी बातें हैं काइंड ऑफ, नहीं, बट मुझे लगता है ये रियलिटी है। मैंने बहुत नोटिस किया है कि जब आप लाइफ में
पॉजिटिव होते हो तो हैप्पीनेस मिलती है। अगर आप हैप्पी रहते हो तो सारे काम अच्छे से होते हैं। आज मैं यूट्यूब चैनल करती हूँ, बहुत सब्सक्राइबर्स नहीं है, कुछ भी नहीं है उसमें, बट मुझे खुशी मिलती है तो मैं बनाती जाती हूँ वीडियोस। आई लाइक टू मेक अ वीडियो, जितने भी लोग देखते हैं उसके लिए मैं, अगर मेरा वीडियो, मेरे 288 सब्सक्राइबर्स हैं अभी, अगर मेरे वीडियो कोई कोई वीडियो अगर कोई 500 या 600 पीपल देख लेते हैं ना, तो मुझे उसमें बहुत ज़्यादा खुशी मिल जाती है। सो इसीलिए अगर उसके ज़रिए, मतलब इसमें अगर इस वीडियो में अगर कोई 500 लोग भी देखते हैं और उनको मैं ये मैसेज पहुंचा सकूं कि प्लीज़ स्टे हैप्पी, खुश रहना सीखिए, हर चीज़ में खुश रहना सीखिए। अगर आप खुश रहोगे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी और डेफिनेटली आप अपनी लाइफ अच्छे से जी पाओगे। एक ही तो लाइफ है, मुझे ऐसा लगता है एक ही लाइफ है, जो करना है इसी लाइफ में करो और जितना हो सके उतना खुश रहो। जितना आप खुश रहोगे हमेशा उतने में शाम सामने वाला भी खुश रहेगा, आपके आसपास के लोग सारे खुश रहेंगे। आप ये सोचो कि आप उनको खुश करने में लगे रहोगे तो आप कभी खुश नहीं रह पाओगे। हमेशा आप खुश रहो तो अपने आप दूसरों को आप खुश रख पाओगे। मेरे लिए मेरी लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि हैप्पीनेस इज एवरीथिंग। हर छोटी सी छोटी चीज़ों में आप हैप्पीनेस ढूंढिए। बस यही बोलना था। वैसे बोलने को तो मैं बहुत सारा कुछ बोल सकती हूँ, बट इट्स जस्ट माई थॉट इन माई माइंड। सो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ। आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगेगा। अगर ये टॉक सैटरडे अच्छा लगता है ना आप लोगों को, तो आप बताइए किस टॉपिक के बारे में हम बात करें। मैं ज़रूर करूँगी क्योंकि मुझे बोलना अच्छा लगता है। आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा वीडियो। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर देना। और अब मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।